एक ट्वीट, एक एसएमएस, एक व्हाट्सएप, एक फोन कॉल पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, वेंटिलेटर सब कुछ हाजिर हो रहा है। और आज हमारे साथ हैं नए, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी ऑक्सीजन मैन के नाम से बुला रही है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास। श्रीनिवास जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप बहुत व्यस्त होंगे, मुझे मालूम है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना और बहुत लोगों के पास दवाइयाँ, ऑक्सीजन, मदद पहुँचानी है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे कर पा रहे हैं इतने लोगों की मदद? हाँ, सबसे पहले मैं जो ये किस तरीके से हम लोग का जो काम स्टार्ट हुआ, मैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये मार्च फर्स्ट 2020 में राहुल गांधी जी ने पहला जो पेंडेमिक था उस समय में हम लोग के लिए सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेशनल ऑफिस बेरर सबको इशारा किया, ये पेंडेमिक बड़ी लेवल पे महामारी आने वाला है, आप लोग इसके लिए तैयार रहना। जो 12 फरवरी को उन्होंने पहले ट्वीट लगाया था, उसके बाद में लगातार जो मार्च 23 को जो माइग्रेंट लोग अपने अपने घर को वापस निकले, उस समय में उनको खाना पहुंचाना और उन लोग के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करना, बहुत सारे तमाम चीज़ें उस समय में दिक्कत थे, वो हमने काम कर रहे थे। उसके बाद में मास्क पहनो इंडिया हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें जो माइग्रेंट जो लोग गारमेंट्स में काम करते, ऐसे ऐसे कुछ टाइलर को आइडेंटिफाई करके पूरा देश भर उनको हमने रॉ मटेरियल दे के उनसे, उन्हीं के हाथ से मास्क बना के 1 करोड़ मास्क बांटने का काम हमने किया था। उसके बाद अभी मार्च 7 तारीख 2021 भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव है, वो यूथ कांग्रेस का हाईएस्ट बॉडी होता है, उसमें सारे नेशनल ऑफिस बेरर और सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे यहाँ 2 दिन का जो बैठक है वो दिल्ली में हुआ था, युवा कांग्रेस कार्यालय में। उसमें आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आए थे, उसमें भी क्लियरली फेज 2 वापस आने वाला है, दोबारा आप लोग ने इसके लिए तैयारी रहना। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में 6 महीने का भारतीय युवा कांग्रेस का रोड मैप तय होता है, उसमें हमारा इंचार्ज कृष्णा अलवर जी और सारे लोगों ने उसमें हम लोग ने डिसाइड किया आने वाला 6 महीने, पहला प्रेफरेंस पेंडेमिक, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा किसान आंदोलन को सपोर्ट करना। तो पहली बार इतने बड़ी लेवल पे जो ये मेडिकल क्राइसिस आए, इसके लिए हमने टीम बनाया, जो 1000 लोगों का जो कोरोना वॉरियर्स है, सारे स्टेट में एक कंट्रोल रूम और दिल्ली में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बना के सब लोग के साथ कोऑर्डिनेशन नेटवर्क बना के लोगों को मदद करने का हमने प्लान करके एज पर द प्लान हमने रेडी किया। श्रीनिवास जी, जब पिछले साल कोरोना आया था तो उस वक्त आप लोगों ने माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प की थी, उनको खाना पहुंचाया था, उनको घर भेजा था। पिछली बार से लेकर और इस बार में कितनी दिक्कत सामने आ रही है? कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है और क्या इस बार ज़्यादा परेशानी हो रही है पिछली बार की बजाय? देखिए, पहली बार पूरा देश भर इतनी बड़ी लेवल में मेडिकल जो इमरजेंसी जैसा हुआ है, पहले किसी को, हम लोग को भी पता नहीं था कि फेज 2 में भी क्या दिक्कतें होगा, हम किस तरीके से लोगों को क्या मदद कर सकते हैं। तो पहली बार इसमें हमको देखने को मिला सबसे ज्यादा लोग जो हॉस्पिटल में एडमिशन, जो ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर बेड और आईसीयू में भर्ती लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, प्लाज्मा के लिए बहुत बड़ी लेवल में एकदम एक आकार भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं दिल्ली में कहीं भी आप बाहर जाएगा, आपको एवरी 1-2 मिनट में एम्बुलेंस का सायरन मिलेगा, इतनी बड़ी लेवल का बुरी हालत है। तो इसी को लेके हमने लोगों को एक टीम बनाए थे, जो बेड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक टीम है, प्लाज्मा डोनर के पास जाके कन्विंस करके उनको प्लाज्मा डोनर्स को लेके आके डोनेट करने का और मेडिसिन पहुंचाने का, ऐसे तमाम है, जो डॉक्टर काउंसलिंग करवाना, किस किस को सिम्टम्स है, बाद में उनको आइसोलेशन किट देना, उनको उनके रिपोर्ट लेना, बाद में उसका कुछ दोबारा सांस लेने में दिक्कत हो गया, उनका तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, उनको हॉस्पिटल को सजेस्ट करना, ऐसे अलग अलग तरीके का हमने काम। आपके पूरे देश में कितने लोग हैं, दिल्ली में कितने लोग हैं और हर स्टेट में कैसे वो रूम बनाया है, कैसे लोगों तक हेल्प पहुंचती है, ये इस प्रोसेस को आप कैसा पूरा करते हैं? देखिए, हमने ये 1000 लोग, पहला पेंडेमिक में 600 लोग हमारा वॉलेंटियर था, इस बार 1000 लोग हो गया। इसमें भी इस समय में अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को मदद करने के लिए भी वो इतना हिम्मत भी चाहिए कार्यकर्ता के अंदर। ऐसे ऐसे लोगों के किसको हिम्मत है, ऐसे लोगों से बात करके काउंसिल करके बाद में उन लोगों का ऐसे टीम बनाया। टीम बना के स्टेट में भी अलग अलग टीम बनाया। हॉस्पिटल में जो लोगों के बीच में जाने का एक टीम अलग है, जो बैक एंड ऑफिस में जो भी रिक्वेस्ट आता है उसको सेग्रीगेट करके देने के लिए अलग टीम है। ऐसे सारे राज्यों में चल रहा है। इसमें सारे स्टेट प्रेसिडेंट और सारे नेशनल ऑफिस बेरर, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वो लोग भी दिन भर रात इसमें काम करने का, और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीवाईसी ऑफिस बेरर, सब लोग ने नॉन स्टॉप लगी है। इसीलिए ये टीम वर्क के वजह से ये बहुत सारी इजी से कोऑर्डिनेट हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा। अभी जब आपने फिलीपींस के एम्बेसी का ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा, उसके बाद न्यूजीलैंड की एम्बेसी को भेजा, उसके बाद न्यूजीलैंड की पीएम ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने हमारी हेल्प की है, और विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो तब कैसा फील हुआ? क्योंकि दिन भर आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, फिर आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो थोड़ा बुरा लगा था उस वक्त? देखिए, मैं इस बात को कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, हम देगा भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं वो बात है। हमको पहले ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप लोग राजनीति मत करो, राजनीति को साइड पे रखो, दिल से लोगों को सेवा करने के लिए उन लोग ने, उनका आदेश है। जस्ट हम लोग ने माध्यम है, उनका आदेश को लेके जाना हम लोग माध्यम है। ये हम लोग का जिम्मेवारी है, ये भारत का संस्कृति है, भारत का परंपरा है। मेहमानों को, मेहमान जो भी आएगा उसको ख्याल रखना, उनको सेवा करने का ये भारतीय परंपरा है। तो लोग इसके ऊपर टिप्पणी किया है, हमने इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कर रहे हैं, हम आगे भी मदद करेंगे, हम आगे भी लोगों के सेवा करेंगे। कौन क्या बोल रहे हैं उसमें ज्यादा हमने ध्यान नहीं देते। श्रीनिवास जी, क्योंकि आप इतने रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके सामने फंडिंग का इशू जरूर आता होगा कि इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, कि यूथ कांग्रेस खुद से कर रहा है या एआईसीसी भी आपकी मदद कर रहा है या सिटिंग चीफ मिनिस्टर आपकी मदद कर रहे हैं, कहाँ से फंडिंग इकट्ठी हो रही है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये करोड़ों कार्यकर्ता है भारतीय युवा कांग्रेस में, ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेप वन में, फर्स्ट स्टेप में हम सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे नेशनल ऑफिसर अपने अपने राज्य में अपने लोग ही जो भी खर्च है उठाने का काम किया। उसके बाद में जो बाहर का जो लोग है, जो काम को देख के कुछ लोग ने डोनेट कर दिया। आईवाईसी को हमने, आईवाईसी से हमारा अकाउंट लिंक हमने सारे जगह हमने ट्विटर पे, फेसबुक पे डाला था, उसमें भी बहुत सारा लोग। और कांग्रेस पार्टी का बहुत सारा स्टेट में कांग्रेस का नेता भी मदद करे। बिना कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस इतनी बड़ी लेवल पे काम नहीं करना मुश्किल है, तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट चाहिए इसमें। इसका मतलब सबका सहयोग है? हाँ, 100% सबका सहयोग है, सबका टीम वर्क है। श्रीनिवास, पिछले 20 से 25 दिनों में जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कोई ऐसा केस मिला है जिसने आपको मतलब भावुक कर दिया हो, अंदर से झकझोर दिया हो कि एक ही परिवार में इतनी सारी डेथ हो गई, या मदद नहीं पहुंचा पाए, या पहुंचा पाए तो किसी को बचा पाए? ऐसी कोई एक घटना या दो घटना आप इसका जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत सारा घटना है, मैं 2-3 जो इंसिडेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ही परिवार में 3 लोग का मौत हुआ। जो चौथा आदमी बचा था वो भी कोविड पॉजिटिव होके वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उस पर, उसमें उनका भाई के लिए हमने मदद पहुंचाया था, फिर भी वो उसका निधन हुआ। उसको देख के हमको इतना दुख हुआ। तो उसका माँ बाप मर गया, 2 भाई में एक भाई मर गया, एक भाई भी बहुत सीरियस होकर हॉस्पिटल में एडमिट था। उसको देख के हमने बर्दाश्त नहीं कर पाया, नींद नहीं कर पाया, ना खाने का सोच आया। उस व्यक्ति का मुंह देखे, उस परिवार हालत को देखे, बहुत बुरी स्थिति है। और ऐसे ही एक 2 डॉक्टर है, लगातार कोविड पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो दोनों डॉक्टर पॉजिटिव हो गया। वो डॉक्टर गिल्ले मैडम, उनको तबीयत थोड़ा खराब हो गया कोविड होके जाते। उनके लिए प्लाज्मा के लिए जो रिक्वेस्ट आए तो हमने प्लाज्मा उनको डोनेट किया, तभी हमको अच्छा लगा। जो कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर है उसको हमने मदद किया करके। और दूसरी एलएनजीपी के बाहर एक पेशेंट, मैंने वहाँ किसी को मेडिसिन देने गए थे, वहाँ एम्बुलेंस में एक नौजवान था, शायद 28 साल का लड़का हो सकता है, वो जाने के टाइम पे मैं बात करके गया, आपको मैं मदद कर सकता हूँ, क्या चाहिए। उनको ऑक्सीजन बेड का जरूरत था। मैं अंदर जाके बात करके आने का मैक्सिमम 25-30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति एम्बुलेंस में, उसका मौत हो गया था। उसके परिवार में और 2 लोग, वो लोग भी होम आइसोलेट थे, तो उन लोग को पता नहीं ये मौत हो गया करके। ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे थे, हमने सोच नहीं सकते, नींद नहीं आता था। किसी का परिवार में ऐसा आस्था ना हो, भगवान से भी हम करते हैं श्रीनिवास, क्योंकि रात भर लोगों के फोन आते हैं, मदद मांगते हैं लोग। कितने घंटे सो पाते हैं आप, कितने घंटे की नींद मिलती है? देखिए, कोशिश तो लगातार सब लोग ने, जब भी उनको समस्या हुआ तभी फोन करते हैं वो लोग। शायद रात में 2 बजे वो 3 बजे वो फोन करते हैं हमको भी, 4-5 घंटा तो अभी इस समय में लगातार हम लोग को तो मौका मिल रहा है सोने के लिए। हमने और 1 महीने 2 महीने ऐसे ही लगातार काम करने के लिए तैयार है, बट ऐसे चीज भी उपलब्ध भी होना चाहिए मार्केट में, लोगों के लिए इच्छा है काम करने। चीजें नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या मदद कर पाएगा। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर पाए। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे कि भैया उनका क्या रोल होना चाहिए था इस वक्त, क्योंकि आप सरकार में है नहीं। हम तो सरकार में नहीं है, हम अपोजिशन पे। हमने यही कहना चाहते हैं एक्सपर्ट्स के साथ इनको बैठना चाहिए, बैठ के जल्दी से जल्दी इसको एक कलेक्टिव प्लान होना चाहिए, और ऑल पार्टी मीटिंग के साथ भी बैठना। फ्यूचर में अभी 3रा वेव आने वाला है, इसके लिए क्या तैयारी रहना, इसके ऊपर सोच होना चाहिए। कितना बेड का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन बेड कितना बढ़ाना है, आईसीयू वेंटिलेटर बेड कितना बढ़ाना है, कौन सा मेडिसिन के दिक्कत होता है, इसके ऊपर टैक्सेस है, ये तमाम चीजें हैं। ये एक नहीं है, बहुत सारा है। इसको पॉलिटिक्स नहीं करना, अभी सब लोग मिलके इसको लड़ाई करना है इसके खिलाफ, कोरोना। बट उसको भी ह्यूमिलिटी होना चाहिए, जो भी एक्सपोर्ट बोल रहा है, कोई हमारा नेता बोल रहा है, उसको ध्यान लेने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे भी फोन कर रहे हैं कि अगर हमें काम करना हो श्रीनिवास के साथ तो कैसे जुड़ सकते हैं? कोई वॉलंटियरली आपके साथ काम करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, तो आपसे कैसे जुड़े वो लोग? कोई भी वॉलंटियरली काम करना बहुत अच्छी बात है। इस समय में हम लोग के लिए वॉलंटियर्स का ज़रूरत भी है। कोई भी आए उनको हमने स्वागत करता है। वो भारतीय युवा कांग्रेस का इसमें वो सोशल मीडिया के तौर पर उसका नाम नंबर डाल के हम लोग को टैग करें, बताइए इस लेवल पे क्या मदद वो लोग ने करने के लिए फील्ड वर्क में करने को तैयार है। हम उस हिसाब से उनको हमने वर्क अलाकेट कर सकते हैं। मेरे का आखिरी सवाल श्रीनिवास की, आपको इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है कि आप ऑक्सीजन मैन हैं, जब ये एक शब्द सुनते हैं कि ऑक्सीजन मैन तो कैसा लगता है? नहीं, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। एक कोई इसमें देखिए एक माध्यम है, मैं दोबारा यही कह रहा हूँ, ये टीम वर्क है। कोई एक व्यक्ति से ये काम नहीं होता है। ये भारतीय युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और एक ऑफिस बेरर सब लोग मिलके ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय युवा कांग्रेस का परंपरा है लोगों को मदद करना। आप पुराना जो भी अध्यक्ष रहा है, आप उसको भी हिस्ट्री निकाल के देखेगा। जो उत्तराखंड में जो आपदा आया था, जम्मू कश्मीर में आए थे, बिहार में आए थे, जो भी उस समय में ये काम किया है, सारे भारतीय युवा कांग्रेस ने हर बार लोगों को मदद करना, सेवा करने का काम किया है। बट पहली बार पूरा देश भर हुआ है ना, तो इसी के थोड़ा ज्यादा विजिबल हुआ है। हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर सेवा मनोभाव है, सभी कार्यकर्ता के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी का परंपरा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू श्रीनिवास, आपने थैंक यू आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया। थैंक यू।